सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचाने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचाने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाप दादा के यहाँ रौनक बहुत है। इस दुनिया मुआफिक नहीं। बिजली घड़ी घड़ी चली जाती थी तो बाबा ने बोला कि इस दुनिया के जैसी नहीं। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी ही है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं क्या? अनुभव तो बच्चे ही करेंगे, यह वतन है ही बच्चों के लिए। और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है ना। भगत लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के राजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। हाउ नाइस। नेक्स्ट है 9/2/1980। मधुवन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनने का स्थान होने के कारण भी मधुवन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनाने का अर्थात विश्व सेवा के मुख्य केंद्र मधुवन है। मधुवन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। नेक्स्ट है 18/1/1981। सहज योग के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से कांटा। तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहां कोई मुश्किल अनुभव होता है वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को समाप्त खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता। मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते आप तो अधिकारी हैं। मेहनत मजदूर करते हैं मतलब, और आप तो अधिकारी हैं। नेक्स्ट है 13/3/1981 से। टीचर्स तो हैं ये सदा भरपूर आत्माएं। ड्रामा अनुसार नियमित बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहां राजाई नहीं करनी है, रजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो
इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसे अनुभव होगा। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लान भी नहीं मिलेगा, ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे, सॉरी प्लेन भी नहीं मिलेगा, ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो सभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ। नेक्स्ट है 15/3/1981। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुवन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने वाले सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं उन्होंने संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोल कर आते हो, बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। फिर नेक्स्ट है 15/4/1981। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापिस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे, आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्होंने व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। कितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैल जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है 15/4/1 की ही है मुरली। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो क्या? उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं।
अगर शरीर ठीक नहीं है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है, ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है क्या? क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात से मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। नेक्स्ट है 12/10/1981 की। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना यह भी सबसे बड़ा पुण्य है, सबका आह्वान है ना। आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उनमें भी जान अनुभव होती है, तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा ना हो सके यह भी नहीं और मनसा में वाणी ना बोल सके यह भी नहीं। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त तो बन जाता है। संगठन में मिलन ज्यादा होता है लेकिन मिलन के साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हरेक समझे हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अभी अच्छा सभी को बहुत बहुत याद देना। नेक्स्ट 8/1/82। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसीलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। नेक्स्ट है 19/3/1982। आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वह सहज जान लेंगे, कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं। वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मना से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को वायुमंडल को परिवर्तन करना यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है, लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन
अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है ना, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। 18-2-83 में दादी जानकी दादी से बोल रहे बाबा, बाप समान भाव की वरदानी हो ना, डबल सेवा करती हो। बच्ची की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। अभी बाप के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं, बाप साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा हो, प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पाठ बजा रही हो। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पाठ अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है, इसीलिए सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसीलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। नेक्स्ट है 13-4-1983। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती हैं, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो, अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी के नाम इसी से नाम बाला होगा। अनुभवी मूरत अनुभव करा सकेंगे, इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी, मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो, अभी यही विधि है वृद्धि करने की। नेक्स्ट है 11-5-1983। सदा बाप की हूँ बेहद की हूँ, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी दोनों साथ साथ हों। मुख द्वारा किसको बल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो फिर लग जाएगा। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी, यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम एक मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर मनसा सेवा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
सेकंड में। स्टेज पे आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश
पूजनीय आत्मा है। पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हैं। तो ये देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाती है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से पूजा आत्माएं आपका तो निजी संस्कार है। दुआ देना अनादि संस्कार, चार चित्र दुआ दे रहे हैं। तो आप चेतन पूछे मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल हो गए, नेचर हो गए। वास्तव में ये संस्कार जब किसी को दुआ देते हैं
तो वो आत्मा कितनी खुश होती वो खुशी का वायुमंडल
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका शांति ओम शांति। तो आज हमारा बफर डे है, तो विशेष करके आज के दिन हम जैसे हम इस अव्यक्त मुरली का भी अभ्यास करते हैं, और इस साल आपको पता है कि आज़ादी का 75 ईयर सब मना रहे हैं, तो शायद आप सभी को पता होगा ही। तो देखो बाबा का प्लानिंग भी कैसा है, कि बड़े बड़े वीआईपी भी आते हैं, कितने प्रोग्राम बन रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इस एक मास में तब्बल पुणे में तो बड़े से बड़े 6 से 7 प्रोग्राम हुए एक मास में, और इतने बड़े मैंने आज तक कभी देखे नहीं थे। कि राज्यपाल वगैरह बहुत कुछ आए भी थे बीच में। तो आप सभी को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा की प्लानिंग देखो कैसी है, कि जैसे समय समाप्ति तक आता है ना, तो धीरे धीरे बाबा भी अपनी सेवाएं करते रहता है। तो आप सभी को और एक बात बतानी थी, कि जैसे जैसे हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, अभी तो हम बहुत मना एंडिंग के सीजन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी और आगे के लिए हमें और क्या क्या नया प्लानिंग करना है, किस रीति से और क्या क्या नया आइडिया, तो आप थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न है कि हम अव्यक्त मुरली पढ़ना फिर चिंतन करना, ये तो हम करते आए हैं, लेकिन और क्या इसमें नवीनता डाले, ताकि जैसे अभी देखो आधा घंटा का योग है,
तो उसमें और भी क्या क्या करें या कैसे मनन चिंतन को बढ़ाए तो आप बता सकते हैं। भाई जी ओम शांति जी, कल्पना दीदी जी बोलिए। इसमें हम ये नवीनता ला सकते हैं कि हर बच्चा जो है दो दो या तीन तीन बच्चे हर दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिनको जो भी एक्सपीरियंस होता है वो उसको शेयर करें, तो इससे नवीनता आएगी, बाबा में विश्वास बढ़ेगा और मतलब जो अपना ये प्रोग्राम है ये और भी ज्यादा रुचिकर हो जाएगा। ओम शांति जी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। माना आजकल ज्ञान तो सभी को होता ही है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और ये पुरुषोत्तम भाई जी भी एंड में जब योग करवाते हैं ना वो भी अच्छा लगता है। तो पुरुषोत्तम भाई जी आप भी थोड़ा सा कंटिन्यू करना जी। योग करना है क्या भाई जी? नहीं नहीं एंडिंग में आप जब योग करवाते हैं ना तो कभी कभी मिस भी होता है ना, तो कम से कम 5 मिनट पे आप करवा सकते हैं, तो जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं, क्योंकि आजकल तो 10 बजे तक भी कई बार कोई रुकते हैं। तो कोई अगर आप भले योग को कंटिन्यू रखना भाई जी, अभी 9 से 9:30 के बीच में जो अपना मनसा सेवा का हो रहा है तो उसमें अभी वो आ जाता है ना, अभी पहले तो हम मतलब वही कॉमेंट्री शेयर करते थे लेकिन अभी मनसा सेवा के प्रोजेक्ट में वो आ गया ना 9 से 9:30 बजे, वही होता है। नहीं नहीं ये होने के बाद माना मनसा सेवा का भी हो जाएगा ना 70, मुझे लगता है उनका जब डेट समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप करवा लें। ओके ओके चलेगा भाई जी। ओम शांति। और कुछ बता सकते हैं? कई दिन हम ऐसे भी करेंगे कि पूरी तरह सैटरडे के बफर डे है ना पूरा तरह हम योग का अभ्यास करवाएंगे। और अभी थोड़ा सा हम बिजी थे इस बीच में तो बहुत सारे आप भी बता सकते हैं कि आप में से कोई अगर योग ऐसे करवाना चाहते हैं ना, समझ लो कि बफर डे है तो 8:30 से 9 बजे तक तभी भी आप करवा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ जी श्वेता बहन जी या शैली बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा ये विचार था कि मान लो जैसे हम योग करते हैं ना तो एक ही संकल्प के ऊपर अगर कुछ देर उसके ऊपर स्थित होकर हम करते हैं तो उसकी जो इफेक्ट उसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि ज्यादा जितने ज्यादा हम संकल्प चलाएंगे ना तो उसकी इतनी अनुभूति नहीं होती है और वो हमारे में सहजता से वो जो वाइब्रेशंस बाबा की हैं तो सहजता से हम उस चीज की अनुभूति कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। ओम शांति। ठीक है कोई बात नहीं, हर एक का थोड़ा सा योग का अलग अलग होती है ना विधि। Om Shanti, brother. May I say something? हाँ जी, आपने सुनीता दीदी जी का कुछ लिखा था ना क्लास, तो हाँ उसके सिवा ये जो ऋषिकांत का भाई का मनसा का जो क्लास होता है ना संडे को होता है and it is exactly the same time हमारा जो ये क्लास होता है ना उसके साथ ही होता है, तो मेरा वो संडे का क्लास ऑलवेज मिस है हमारे तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो बफर डे है कैन यू मूव इट टू संडे इंस्टेड ऑफ सैटरडे। एक्चुअली ये बफर डे हम सैटरडे क्यों रखते हैं आपको पता है, क्योंकि एक दिन हम पहले चलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं कि इसका यूट्यूब में भी आता है तो आप भले यूट्यूब में देख लेना।
और कोई भी होता है ना, समझ लो कि कोई, अभी देखो कि एक आशीष भाई जी है, उनका भी हमने रखा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा वो भी बिजी थे, लेकिन इस मंथ हम थोड़ा सा उनको और गहराई से, आने वाले संडे को तो बाबा मिलन ही है शायद, तो हम एक काम करेंगे कि बाबा मिलन के दिन तो संडे है ही, तो सैटरडे के दिन कुछ ऐसा खास योग अभ्यास करेंगे, ताकि बाबा मिलन की होते हैं ना कि कैसे पूर्व तैयारी करेंगे, तो एक दिन पहले हम बाबा मिलन के हम अनुभव लेंगे, ताकि वो वाइब्रेशन बनता जाएगा, ऐसे कुछ कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी दादी का भी आ रहा है ना, दोनों दोनों दादियों का, गुलजर दादियों का भी है, जानकी दादी को भी है, तो इन दादियों का भी हम अनुभव ले लेंगे, क्योंकि हम सब ने तो दादियों के पालना तो लिया भी है, सभी ने कितनी बार हमने उनके ना कमल हस्तों से तोलिया भी लिया है, और शायद अपने सबने गिफ्ट भी लिया होगा, कुछ तो कुछ सौगात भी लिया होगा, तो ऐसे दादियों के अनुभव भी हम इस मास रखेंगे, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हम नवीनता करेंगे, ताकि हर हर एक का अनुभव उसमें शेयर हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कुछ सुझाव है तो बता देना, ताकि आज के बर्थडे में आप बता सकते। ओम शांति भाई जी, आज हाँ जी, तो वही हमने प्लान किया था, तो मनसा सेवा का बुक रीडिंग होने के बाद फिर हम मनसा सेवा करते हैं, और फिर उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं 10 मिनट, 10 to 15 मिनट। सो श्वेता उसमें दीदी थोड़ा आवाज बहुत स्लो है आपकी। नेटवर्क इश्यू का, शांति अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहा है आवाज। हाँ बोलिए। हाँ भाई जी, आज तो वही हमने प्लान किया था, योग कंटिन्यू रखने के लिए 9:30 होने के बाद 10-15 मिनट हम योग करेंगे करके। सो समटाइम्स ऐसे भी हम कर सकते हैं, अभी तो 30 मिनट्स हो रही है, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे 10-15 मिनट्स। सो अच्छा रहेगा समटाइम्स। हाँ जी चलेगा, कोई बात बात नहीं। ओम शांति भाई जी, मेरी एक क्वेरी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ जी बोलिए ना। जी भाई जी, ऐसा है कि मेरी सिस्टर है, तो बाबा के साथ वो अपना रियल मतलब कनेक्शन चाहते हैं, अभी वो योग ज्ञान में नहीं चल रहे, लेकिन उनको अच्छा लगता है बाबा से योग लगाना, तो बैठते हुए, तो उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी अच्छे से उनकी बन पाए, और इजी मेथड से, मतलब अभी ज्ञान में इतना नहीं चल रहे, सुनते हैं हल्का हल्का सा, लेकिन छोटे रूप से, जैसे मैंने अभी भी बोला ना कि एक संकल्प के, माना कि इजी मेथड हो, सहज भी हो, तो उसके लिए क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उनको थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाओ, जैसे बाबा के घर में लाना, बाबा के कमरे में बिठाना, भले क्योंकि इससे क्या होता है कि उस वाइब्रेशन में जाने से उनको अनुभूतियां स्टार्ट होती है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि बड़ी दीदी होगी या कोई क्लास में होते हैं ना कोई सीनियर भाई बहने, तो उनसे उनको थोड़ा सा दृष्टि या थोड़ा सा उनको बोलना कि बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं, सेवा भी अच्छे करते हैं, योग भी अच्छा होता है, तो इससे क्या होता है कि उनको भी वो थोड़ा सा टिप्स आप थोड़ा सा और दे देंगे, तो आप बताने से तो जो सीनियर भाई बहन या दादी सॉरी दीदियाँ बताएंगे ना, तो उनका प्रभाव बहुत पड़ेगा, क्योंकि टिप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको अनुभूति होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये अगर आप सेवा केंद्र पर लेकर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उधर बाबा का घर होता है ना, तो ऑलरेडी उधर का वायुमंडल बहुत बहुत अच्छा होता है कि सब संगठित रूप से बैठे हैं। बाकी तो अगर आपको उनको थोड़ा सा टिप्स देना है तो उनको थोड़ा थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि समझ लो कि उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है, किसी भी बाबा के होता है ना कि कई लोग बार हम ज्ञान के बारे में केवल
समझ लो किसी को बाबा का प्यार ही अच्छा लगता है, तो प्यार के बारे में केवल बातें कर। जी भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, मेरा एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना भाई जी। मैं एक छोटी सी जगह पे जॉब कर रही हूँ, तो यहाँ पे गीता पाठशाला है, जहाँ मैं अभी महाशिवरात्रि से मैं पढ़े जाने लगी हूँ सुबह। तो ना वहां पे मैंने देखा कि बाबा के कुछ बच्चे, जैसे दीदी मुरली सुनाती हैं, तो बीच में दीदी उस मुरली को समझाती हैं, तो जो एक दो महिलाएं हैं वो इतनी बात करती हैं, मतलब वो जब वो बाबा के बारे में कुछ कहती हैं तो वो अपने तर्क इस तरीके से पेश करती हैं, और मतलब बहुत हंस हंस के और अजीब तरीके से, तो मतलब वातावरण में मतलब मेरे दिमाग की शांति भंग होती है, और उस महिला से और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर ऐसा क्या करा जाए कि वो महिला इस तरीके से डिस्टर्ब करना बंद कर दे? जी कोई बताएगा इसका आंसर, क्योंकि आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा ना। ओम शांति। इसमें जैसे सब ब्राह्मण बच्चों के संकल्प ये चल रहे हैं कि वो बोलती हैं, जैसे सभी यही बोल रहे हैं ना, तो थोड़े से उनको शांति की, जैसे सब मिलके थोड़ा सा शांति की वाइब्रेशंस देंगे, तो इससे वहां उनका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो यही कहता है ना कि तुम्हारे बोल काम करते हैं बाबा के बच्चों के, तो अगर उनको हम शांति की वाइब्रेशंस देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। जैसे ओम शांति। एक बार साकार ब्रह्मा बाबा को भी एक सूरज भाई ने शायद अनुभव बताया था, भाई जी ने बताया था कि वो जब पहली बार किचन में आए थे तो उस टाइम पे दो तीन माताएं थे, तो बहुत बहुत मतलब तंग होकर या खाना बनाते थे या कुछ झगड़ते थे, तो ब्रह्मा बाबा को बताने, सॉरी सूरज भाई ने शायद कोई और थे, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको बताया कि यज्ञ में तो ऐसा होता है, लेकिन हमें ये भी लोग जाएंगे और उसके बदले ज्ञानी योग्य बच्चे जरूर आएंगे, क्योंकि बाबा का ये यज्ञ है, तो हमें थोड़ा सा धीरज धरना है, पेशेंस रखना है। तो आप भी क्या क्या करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा एंजॉय करो उस सीन को, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। जी भाई जी, मैं तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती, मैं थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ना थोड़ा मेरा दिमाग ना मतलब हमें शांति में रहने की बाबा कहते हैं, लेकिन वो इस तरीके से एकदम तेज बोलती हैं, एकदम तेज हंसती तो, हैं, और इस तरीके से का समय जो होगा ना, नहीं नहीं लास्ट का समय जो होगा ना, बाबा क्या बोलते हैं, चारों समय हाहाकार होगा, चारों समय बहुत उलथा पलथ होगी, कहाँ पर बॉम्ब गिरेंगे, और उस टाइम पे आपको योग में बैठना है, तो माना ये परीक्षा होती है ना, तो ये भी एक परीक्षा समझकर पास हो, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो हमें उसकी आदत लगाना है, जैसे समझ लो कि एक सेंटर है, मैंने देखा है कि गांव में, तो उसके बराबर बाजू में रेलवे स्टेशन है, और इतना आवाज आता है रात को 2 बजे भी रेलवे आती है, तो मैंने बहन जी को पूछा कि मैं एक दिन उधर रहने के लिए गया था, कि आपको इतनी नींद कैसे आती है, बोलते कि हमें इसकी बहुत आदत मुझे हुई है, तो माना हमारा मन को थोड़ा सा बैठाना कि नहीं ठीक है, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम अपने तरीके से, लेकिन हमें खुद को बहुत संभालना है। जी भाई जी। ठीक है, देखो वर्तमान समय कई ऐसे हो भी रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा कि इस कुमार ग्रुप में 4-5 कुमार ग्रुप है, मैंने भी देखा इसमें एक दो कुमार ग्रुप, एक दो कुमार तो 6-7 साल माना बहुत साल से ज्ञान में है, और एक तो खास मेरा दोस्त भी है जो मेरे माना जब मैं कॉलेज के बाद रहते थे, और वो अभी ज्ञान सरोवर में भी रहा था 3 साल, शांतिवन में भी 3 साल से रहे थे, लेकिन अचानक उसको क्या हुआ पता नहीं इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि वो थोड़ा सा उनका माइंड भी डाइवर्ट हो गया, अभी वो शादी के लिए भी वो तैयार हो गया, तो कभी कभी मुझे भी बहुत वंडर लगा कि इतने साल बाबा के घर में भी रहे तो इतनी माया ने क्यों पछाड़ा,
तो कहने का भाव यही है कि माया हमें आती है, इसलिए हमें थोड़ा सा क्या क्या करना है कि हमारे ज्ञान योग का जो पाव है ना उसको मजबूत रखना है। क्यों ये क्यों बता रहा है? क्योंकि डिस्टर्ब हम होते हैं ना तब स्टार्ट होती है माया। तो मना कुमारों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अकेले रहते हैं। ठीक है, लास्ट में कोई 2 मिनट पुरुषोत्तम बनी 3 मिनट आप योगा अभ्यास कराओ। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि, उस मणि का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है और इस फरिश्ते रूप से हम 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन। वहां पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में विराजमान है। और हमारा फरिश्ता स्वरूप नन्ना मुन्ना सा एक बच्चा फरिश्ता बाबा की गोद में बैठा है। बाबा ने सर पर हाथ रख दिया और वरदान दिया, बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। इस वरदान प्राप्त करते ही फरिश्ते रूप का शरीर भी निकल गया और रह गई निराकार आत्मा और हम पहुंच गए 1 सेकंड में अपने परमधाम घर। देखिए अपने आप को कल्पवृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। और जो भी आत्माएं इस बेहद के कल्पवृक्ष में है उनसे रूरियान करे। न जाने हमने कितने जन्म आपके साथ कार्य व्यवहार किया है। यदि हमसे कोई गलती हुई होंगी तो हमें माफ कर देना और आपसे भी कुछ गलती हुई होंगी तो हमने भी आपको माफ कर दिया। इस कंपाउंड स्वरूप से जैसे पानी पूरे वृक्ष में फैलता है ऐसे शक्तिशाली किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैलाए। ओम शांति।